हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। ओके स्टूडेंट, सो ये सॉल्युबिलिटी का हम लोग का लेक्चर है, आज का लेक्चर। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकेंड लेक्चर है। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में एंड हेनरीज लॉ के बारे में। ओके, और हम लोग इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? अगर मैं कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करूँ सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो वो हम लोग का डिजोल्व होगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ओके, मतलब अगर मैं सॉल्यूट पार्टिकल को इसको डिजोल्व करूँ किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या हो सकता है हम लोग का? एक तो रूम टेम्परेचर हो सकता है, या फिर हम लोग जो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली वो हो सकता है। सो हम लोग का ये सॉल्यूट डिजोल्व होगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, अगर कोई सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ड ही बोला टेम्परेचर, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, या फिर एक्सटर्नली टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे, टेम्परेचर ऐड करेंगे, मतलब हम लोग इसको हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वो होगा हम लोग का सॉल्यूट सॉल्यूबल हो जाएगा हम लोग के सॉल्वेंट के अंदर। ओके, अभी जो हम लोग का सॉल्युबिलिटी है उसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। क्या यूनिट है? मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी का यूनिट है, तो ये यूनिट याद रखना क्योंकि ये काम आता है। ओके, अभी देखते हैं हम लोग कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं हम लोग के सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है हम लोग का नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, एंड थर्ड फैक्टर है प्रेशर। अब ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं हम लोग के सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं सॉल्यूट की बात करूँ तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है, अगर उसका साइज स्मॉल रहेगा, स्मॉल साइज पार्टिकल्स रहेंगे, तो ईजिली क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। ओके, और अगर मेरा पार्टिकल साइज बड़ा रहेगा और उसको मैं सॉल्यूबल करूँ तो ईजिली सॉल्यूबल होगा क्या? नहीं। मतलब सॉल्यूट का साइज इफेक्ट करता है हम लोग के सॉल्युबिलिटी में। तो सॉल्यूट का साइज क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो अगर मैं नमक को मिक्स कर रहा हूँ, NaCl को अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ कॉमन सॉल्ट को पानी वाटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी के जगह पे एक दूसरा पार्टिकल ले लूँ जिसका साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, लार्ज है। ओके, अगर मैं NaCl की बात करूँ तो बड़े वाले सॉल्ट के मैं वो ले लूँ, तो उसको अगर डिजोल्व करेंगे तो सेम टाइम में डिजोल्व हो जाएगा क्या? नहीं, उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है तो हम लोग का ऐड करते ही क्या हो जाएगा, वो डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सो सॉल्यूट के केस में पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सॉल्वेंट हम लोग का ऐसा होना चाहिए जो हम लोग के सॉल्यूट को डिसोल्व कर सके। ओके, अगर मेरा सॉल्यूट नॉन पोलर रहेगा तो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे, और अगर नॉन पोलर रहेगा तो पोलर सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करेंगे। तो डिपेंड करता है हम लोग का सॉल्वेंट किस टाइप का है। ओके, अगर मैं बात करूँ अल्कोहल का, तो अल्कोहल को हम लोग वाटर के अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूबल कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है हम लोग का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो किस टाइप का है, उसके हिसाब से हम लोग का मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। ओके, सेकेंड थिंग जो हम लोग का इफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हम लोग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सो अगर मेरा सॉल्यूट सॉल्यूबल नहीं हो रहा है तब उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो सॉल्यूट पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉल्यूबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा हम लोग के सॉल्यूशन के अंदर।
अंडरस्टैंड? ओके, मतलब टेम्परेचर जो है हम लोग का ये एक फैक्टर होता है जो हम लोग के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट में. ओके, थर्ड टिक होता है हम लोग का इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर ऐसे किन चीज़ों में अप्लाई करेंगे कि वो सॉल्यूबल हो जाए? जैसे कि आप लोग देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कोको कोला वगैरह में प्रेजेंट रहता है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसका ढक्कन बंद रहता है, एकदम टाइटली पैक रहता है, जिसकी वजह से इंटरनली उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर क्या रहता है, फील रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाता. कब बाहर निकलता है? अगर मैं कोको कोला या फिर थम्सअप का बॉटल ओपन कर दूँ तब उसके अंदर का गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा. लेकिन अदरवाइज ऐसे नॉर्मली उसके गैस बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा. क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हम लोग ने क्या करके रखा है, प्रेशर अप्लाई करके रखा है. सो गैसियस पार्टिकल को अगर सॉल्यूबल करना है तो हम लोग का प्रेशर ये एक ऐसा बहुत ही अच्छा पैरामीटर है जो सॉल्यूबल कर सकता है हम लोग के गैसेस को. ओके, तो दिस आर द थ्री फैक्टर जो मेनली इफेक्ट करते हैं हम लोग के सॉल्युबिलिटी के अंदर. ओके, चलो अभी देखते हैं हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ किसी भी गैसियस पार्टिकल को लिक्विड में सॉल्यूबल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, गैस को लिक्विड में सॉल्यूबल करना है तो उसके लिए हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है. ओके, गैसियस पार्टिकल के लिए. ओके, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या है? हेनरीज लॉ क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सॉल्युबिलिटी डेट इज कैपिटल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मतलब अगर गैस को सॉल्यूबल करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, अगर मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो क्या लगाएंगे हम लोग? कॉन्स्टेंट, डेट इज के एच. के एच इज वॉट? हेनरीज कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे टर्म्स देखते हैं, जैसे कि S क्या है हम लोग का सॉल्युबिलिटी, P क्या है हम लोग का प्रेशर, एंड KH क्या है हम लोग का? हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ओके, सो ये हम लोग के टर्म्स थे. अभी यूनिट देखते हैं हम लोग, इसका यूनिट क्या होगा. सो अगर मैं बात करूँ KH कांस्टेंट और हेनरीज लॉ कांस्टेंट का, तो हेनरीज लॉ का जो हम लोग का यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? हम लोग का सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है बताओ? हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा मोल पर लीटर. एंड प्रेशर का यूनिट क्या होगा? बार. क्या होगा? बार. तो कंप्लीट हम लोग का यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे? मोल पर लीटर पर बार इनवर्स. ओके, बार. तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या हो जाएगा? हेनरीज लॉ का यूनिट. तो क्या है? मोल पर लीटर पर बार. तो ये हम लोग का यूनिट किसका है? के एच का, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का. ओके, सो नाउ स्टार्ट हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं इसके अंदर. तो उसके पहले एक चीज देख लेते हैं, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉ. तो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते. क्यों नहीं फॉलो करते हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल गैसेस है, इसके लिए ये गैसेस हम लोग के फॉलो नहीं करते हेनरीज लॉ को. जैसा कि आप देख सकते हैं अमोनिया को अगर वाटर में डिजोल्व कर दूँ तो इजीली क्या हो जाएगा, वो डिजोल्व हो जाएगा और आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड को अभी डिजोल्व करूँ तो भी क्या हो जाता है, वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है. ओके, सो मतलब दिस टू गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये क्या है, हम लोग के एक्सेप्शन है, हेनरीज लॉ फॉलो नहीं करते. ओके, नाउ सी अभी प्रॉब्लम्स देखते हैं. हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या बताओ? S इज इक्वल टू के एच इंटू पी. ओके, यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है. तो जैसा कि पहला प्रॉब्लम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे कितना है प्रेशर 1 bar is, कितना दिया हुआ है, 6.85 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स, मतलब सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है. मोल पर लीटर इनवर्स मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी. तो S गिवन है, yes. आगे क्या दिया है, देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करने बोला है हेनरीज लॉ. और सेकेंड थिंग हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है, बहुत ही मस्त, मोलारिटी ऑफ नाइट्रोजन
डिजोल्व इन वाटर और वहां पे हम लोग को प्रेशर दिया हुआ है, डेट इज 0.75। तो ये हम लोग का क्या है, प्रेशर 0.75। यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, एस सॉल्युबिलिटी। ओके, यहाँ पे हम लोग को अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या है, के एच कॉन्स्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो के एच का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग का एस अपॉन पी। यस और नो, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो हम लोग ने क्या किया, के एच को इधर रखा, पी को इधर भेज दिया, तो इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड, तो के एच इज इक्वल टू क्या आएगा, एस अपॉन पी। ऑब्वियसली हम लोग का एस का वैल्यू पता है, क्या बताओ एस का वैल्यू, 6.85 इंटू 10^-4। पुट किया यहाँ पे 6.85 इंटू 10^-4। ओके, और उसका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यू। यूनिट लिखते जाना, क्यों यूनिट लिखते जाना, क्योंकि हम लोग यूनिट अगर लिखते जाएंगे तो लास्ट का जो यूनिट है वो फाइंड करने में बहुत ही अपने को यूजफुल होगा। ओके, प्रेशर का पता है हम लोग को दिया था, प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1। ओके, 1 bar, तो यहाँ पे प्रेशर हम लोग ने क्या डाला, 1 bar। ओके, 1 bar पुट किया। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा ना वैल्यू, 1 से डिवाइड 1, तो क्या आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 6.85 इंटू 10^-4। बट चेंज क्या हो जाएगा हम लोग का, यूनिट मोल पर लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ओके, सो ये हो गया हम लोग का के एच फाइंड आउट। अब सेकेंड वाला भी फाइंड आउट करना था ना, सेकेंड वाले में क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को दिया क्या है बताओ, के एच निकाल लिया यहां से, ये क्या निकाला ना, और हम लोग को प्रेशर दिया हुआ है सेकेंड वाले में, बताओ प्रेशर क्या दिया हुआ है, 0.75। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग का क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आ गया। अंडरस्टैंड? ओके, एक और प्रॉब्लम करते हैं थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159 मोल पर लीटर इनवर्स बार इनवर्स, मतलब के एच दिया हुआ है, के एच दिया हुआ है, क्योंकि ये देखो ना यूनिट ही बता रहा है अपने को क्या है, ये के एच का वैल्यू है। ओके, किधर, रूम टेम्परेचर पे क्या बोला है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एट 25 डिग्री, कितना दिया है, 130 mm मर्क्यूरी में। अभी यहाँ पे mm में तो सॉल्व नहीं करते, प्रेशर किस में रहता है, बार में चाहिए, तो इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करेंगे, कभी भी अगर डिवाइड करना रहेगा हम लोग को, बार में कन्वर्ट करना रहेगा, तो 760 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी का प्रेशर कितना होता है, 760। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ओके, अभी क्या होगा हम लोग का, के एच का वैल्यू पता है हम लोग को, डेट इज 0.159 मोल पर लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ओके, अभी क्या है, सेकेंड वाला प्रेशर हम लोग को दिया था 130, लेकिन ये mm में हम लोग को बार में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दिए किससे, 760 mm मर्क्यूरी पर एटमोसफियर। ओके, अभी ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा कितना, 0.171 एटमोसफियर। ओके, इसको बार में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 1.013 बार पर एटम। तो एटम एटम कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू यही रहेगा, तो वैल्यू क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करने का, 0.173। ओके, करके देख लेना, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, देखो बार में इसका वैल्यू आ जाएगा 0.173। ओके, सो ये हो गया हम लोग का उसका वैल्यू, ओके 0.173। अभी हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे प्रेशर और के एच, तो प्रेशर और के एच को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, ये हम लोग का वैल्यू हो गया के एच का, और ये होगा हम लोग का प्रेशर का, दोनों को फटाफट मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। सो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 0.271 मोल। ओके, मल्टीप्लाई करके देखो यही आंसर आ रहेगा। ओके, सो ये हम लोग का था कंप्लीट प्रॉब्लम, किसका, हेनरीज लॉ का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम लोग न्यू सिलेबस के बेसिस पे कम्प्लीटली पूरा चैप्टर जो है हम लोग का केमिस्ट्री का वो करेंगे। ओके, सो वीडियो मत मिस करना, तो इसके लिए हम बेल आइकॉन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।